नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज पाटीदार अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूं रॉ और उसका चलन कैसे वो बजता है। बहुत फेमस रॉ है पंजाब घराने की, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब इसको बजाते थे। उसके बाद मैं सब लोग ये इसको बजाने लगे। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं इसको कैसे बजाना है। पहले मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, वो आपको समझा देता हूँ कैसे इसको आपको लिखना है और कैसे इसको बोलना है। आइए देखिए, ये चलन है इसकी, धागे धागे धीना गे धागे धी न गे धागे तीन, फिर से धागे धागे धीना गे धा गे धी न गे धागे तीन। ये मैंने दो दो हिस्से में इसको डिवाइड करके लिखा है। और आसानी से समझने के लिए इसको हम तीन अलग हिस्से उसके कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया धागे धागे धीना गे, पहला पार्ट हो गया धागे धागे धीना गे, दूसरा हो गया धागे धीना गे, तीसरा हो गया धागे तीन। आप इसको ग भी बोल सकते हैं, धीना ग, इसको ग भी बोल सकते हैं, गे भी बोल सकते हैं, बजेगा एक ही तरह से। तो धागे धागे धीना गे धागे धीना गे धागे तीन, ऐसे इजी समझ में आ जाएगा। धागे धागे धीना गे धागे धीना गे धागे तीन, खाली कर लीजिए, ताके ताके तीनक ताके तीनक ताके तीन, ऐसे ही इसका खाली हो जाएगा। तो ये उसका प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे आपको, आठ मात्राओं में कैसे वो आ रहा है। ताली उसकी पहली मात्रा पे आएगी, फर्स्ट मात्रा पे, हर मात्रा पे यहाँ ताली रहेगी, ये ताली रहेगी, ये, और ये उसकी रॉ है, ये उसकी रॉ है। ये मैं आपको समझा दूँगा, बता भी दूँगा कैसे बजाना है। धाती घिन धिन धाती घिन धाती घिन धिन धाती घिन धाती घिन धिन धिन, आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में वीडियो को आगे बढ़ा के फिर आप अच्छे से देखिए, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन पे लिख भी दूंगा इसके बोल साथ साथ जब बताऊंगा तब। तो आइए शुरू करते हैं, मैं कैसे बजाना है इसको बता देता हूँ आपको। पहले एक बार और समझ लीजिए, धाती घिन धाती घिन, जब हम धागे बजाएंगे तो धाती घिन ले रहे हैं, धागे धागे तो धाती घिन धीन आगे, सो धिन धाती घिन, धागे के लिए धाती घिन है और धीनग जो ये धीनग है इसके लिए धिन धाती घिन, ये बोल लिया है हमने। दो चीज़ याद रखनी है, मैं इसको साफ करके फिर से आपको बता देता हूँ। जहाँ आपको धागे बजाना है
धागे बजाना है, वहाँ आप बजाएंगे धाती घेन। ये धागे के लिए हो गया। तो धागे कितने हैं आपके पास? धागे धागे, तो धाती घिन धाती घिन। नेक्स्ट है धीन गे, तो धीन धीन ग या धीन गे, जो आप समझना चाहें। उसके लिए आपको क्या बजाना है? धीन और धाती घिन। कोई इसे गिन घिन को गिन भी कहता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी वही है गिन। तो गिन और घिन एक ही है। तो धागे के लिए धाती घिन और धीनागे के लिए धीन धाती घिन। सो वही है धाती घिन धीन धाती घिन। ये जो है ये धीन धाती घिन हो गया। तो धाती घिन धीन धाती घिन, फिर धाती घिन धीन धाती घिन। अब यहाँ मैंने तीन दिया है, आप तीन तीन भी बजा सकते हैं। और कोई बजाने वाला अगर धिन ले रहा है इसे तो धिन भी बजा सकता है। तो इसको दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको खाली करना है, तो आप तीन तीन कर दीजिए, अदरवाइज इसको धिन कर दीजिए, तो धिन धिन हो जाएगा। इस धिन का ये धिन धिन हो जाएगा। और बजना कैसे है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि उसको बजाना कैसे है। धाती घिन धिन धाती घिन धाती घिन धिन धाती घिन धाती घिन धिन धिन। तो इसको बजाना कैसे है? धागे धागे धीनग, तो धागे धागे धीनग। पहले चलन, चलन कैसी? धागे धागे धीनग धागे धीनग धागे तिन, तो धागे धागे धीनग धागे धीनग धागे तिन। बस तीन इतना ही बजाना है। खाली करने खाली करना हो तो ताके ताके ये इसकी चलन हो गई। मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया था कैसे उसको लिखना है और कैसे बोलना है। अब धागे की जगह मैंने बताया धाती घिन बजाना है आपको। धाती धा ती तित तित की तरह से ती बजाना है। मैंने एक वीडियो में पेशकार कायदा आपको सिखाया है, वैसे ही आपको तित बजाना है। धातित सो धातित, यहाँ पे न को हमको रिंग फिंगर से लेना है। धाती घिन न जो है रिंग फिंगर से आएगा। धाती घिन सो धाती घिन, धागे की जगह क्या लिया हमने? धाती घिन, दो धागे हैं, धागे धागे धीनग। सो धाती घिन धीन धाती घिन। धीनग की जगह हमको बजाना है धीन धाती घिन। मैंने दिन का लेसन भी डाला है, धिन तिरकिट को लेकर। मैंने तिरकिट को कैसे तैयार करना है और रॉ कैसे तैयार होगी उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखिए कि धिन और तिरकिट को कैसे बजाना है। वो आपको रॉ बजाने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो धिन धिन बजाना है, तो धाती घिन धीन धाती घिन। सो ये आपका हो गया धागे धागे धीन धाती घिन, धागे धागे धीनग धागे धागे धीनग।
फिर दूसरा है धागे धी नग, तो धागे धी नग, सो धाति घिन धिन धाति घिन। और तीसरा हो गया धागे तिन, लास्ट में आ गया धागे तिन, सो धाति घिन तिन तिन। आपको खाली नहीं करना है तो धाति घिन धिन धिन। कम लय में बजा के पूरा दिखाता हूं। हाँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था इस रॉ को बजाकर, तो एक कमेंट आया था कि आप इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाइए, उसको भी ध्यान में रखकर। और मैंने पहले से सोच रखा था कि इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। धागे धागे धीनग, धागे धीनग, धागे तीन, ताके ताके तीनक, ताके तीनक, ताके तीन। खाली भरी दोनों कर सकते हैं, या सिर्फ एक जैसा धागे धागे धीना के धागे धीना के धागे तीन, धागे धागे धीना के धागे धीना के धागे तीन को भी बजा सकते हैं। तो जो इसके तीन हिस्से हैं, पहला धागे धागे धीनग, धागे धीनग, धागे तीन। मैं बोर्ड पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए धागे धागे धीनग, धागे धीनग, धागे तीन। तो धाति घिन धाति घिन धिन धाति घिन, धाति घिन धिन धाति घिन, धाति घिन तीन तीन या धीन धीन दोनों ले सकते हैं। अब इसका इसका पहला हिस्सा, तो पहला पार्ट तो ये हो गया आपका रो, ये बन गई। आपको वेरिएशन करना है तो आप इन्हीं हिस्सों को आगे पीछे करके इसके वेरिएशन भी बना सकते हैं। जैसे धागे धीनग को पहले ले लिया, धागे धीनग, धागे धागे धीनग, धागे तीन, तो कैसे हो जाएगा, धाति घिन धिन धाति घिन, धाति घिन धाति घिन धिन धाति घिन, धाति घिन तिन तिन। आप बाद में इसको आगे कर सकते हैं, धागे धिन, तो धाति घिन धिन धिन, धाति घिन धाति घिन धिन धाति घिन, धाति घिन धिन धाति घिन। ऐसे आप बोलों को आगे पीछे करके इसके वेरिएशन भी कर सकते हैं, आप इसमें तिरिकिट भी जोड़ सकते हैं। वो भी इसमें ऐड हुआ है। लेकिन वो आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे बजाना है, पहले आप धाति घिन की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि धाति घिन में जब आप धिन धिन का यूज करेंगे तो ये आपकी रिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें पूरा हाथ खोलिए, बाद में हो गया धति घिन धिन धति घिन धिन धति घिन धति घिन धिन धति घिन धिन धति घिन धति घिन धिन धति घिन धिन धति घिन। जब ये वेरिएशन आपने दो तीन वेरिएशन कर लिए, उसके बाद में आप धाति घिन धिन धाति घिन धिन धाति घिन को लेकर भी आगे जा सकते हैं। धाति घिन धिन धाति घिन धिन धाति घिन।
बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रिंग फिंगर का। तो रिंग फिंगर में न का साउंड अच्छे से आना चाहिए, न का साउंड पूरे टाइम आपको फील करना है, घी न में भी और धाती घी न में भी। तो आज के लेसन में इतना ही, मुझे उम्मीद है मेरे लेसन्स आपको पसंद आ रहे होंगे। मेरे लेसन्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।